बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अलबेग स्टाइल फ्राइड चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। अंदर से ये जूसी बनेगा, ऊपर से सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही स्पाइसी बनेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, मैंने हॉट सॉस ले ली है। जो हॉट सॉस हमारे घरों में आम होती है, चिली सॉस, मैंने वो ली है। और इसके साथ हम ये इंजेक्शन भरेंगे, और इंजेक्शन हम इसलिए भरेंगे ताकि हम चिकन में इंजेक्ट कर सकें। तो अभी ये देखिए, चिकन का वेट है 750 ग्राम, यानी कि ये चिकन जो है वो 3 पाव बनती है। आप अपनी मर्ज़ी और वज़न के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंजेक्शन को 3-4 जगहों पे इंजेक्ट करूँगी। सबसे पहले हड्डी वाली साइड पे हम करेंगे, उसके बाद हम जो हैं वो इस तरह पूरे लेग पीस के ऊपर 3-4 जगहों पे इंजेक्शन से इंजेक्ट कर देंगे। और हड्डी वाली जगह पे आपने इसलिए लगाना है क्योंकि जहाँ पे इसके जोड़ होते हैं और ये अंदर तक सॉस जानी चाहिए, तभी आपको इसका चिकन का जो है वो मज़ा आएगा खाने का। तो यहाँ पे देखें, मैंने सभी पीसीस को इंजेक्शन लगा दिया है और सभी पीसीस को हमने इंजेक्ट कर लिया है, सॉस लगा दी है। इस तरह ये जो पीस है हमारे पास विंग का, इसे भी हम लगा देंगे, और जो हमारे पास थाई का पीस है उसे भी हम लगा देंगे। सभी पीसीस को हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। आपने इंजेक्शन उस वक्त तक भरते रहना है जब तक ये थोड़ा सा बाहर ना निकल आए, यही इसकी निशानी है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह सभी को हमने लगा लिया है। और अभी हम देखें, यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे मैरिनेशन के लिए। और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा, और 1 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर जाएगा, और 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा या गरम मसाला ऐड कर सकते हैं, और जाएगा इसमें एंड में चिकन का पाउडर। अब इन सभी स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन पीसीस को 1 बाय 1 इसमें रखते जाएंगे। आपने जब पीसीस को रखना है तो आपने इन बोटियों को टच नहीं करना, आपने मसाले को इस तरह हिला लेना है ताकि इवनली बोटियों पे लग जाए। और फिर जो बोटियां बच गई हैं उनको भी आप ऐड कर लें, और इस मसाले को इस तरह आप बोटियों के ऊपर लगा लें, बाउल को हिलाते हुए आप लगा लें। अगर आप इस तरह इनको हाथ लगाएंगे तो जिसके अंदर हमने इंजेक्शन लगाया है वो बाहर निकलने का ख़तरा है। तो ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी मैरिनेशन हो गई है। 2 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट देंगे। तो 2 घंटे रेस्ट देने के बाद जो मसाला बचा है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैदे में, मैदा मैंने 2 कप लिया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना आपका चिकन है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सभी बोटियों को 1 बाय 1 मैदे के अंदर कोट कर देंगे। आपने ज़्यादा कोटिंग नहीं करनी, बिल्कुल नरम हाथों से हल्की हल्की इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो ये देखें, मैं ज़्यादा कोटिंग नहीं करूँगी, एक दफ़ा ही बस कोट कर लूँगी। सभी जो हमारे पास पीसीज हैं, लेग के पीसीज हैं, थाई के पीसीज हैं और विंग के पीसीज, इन सभी को बारी बारी कोट कर लेंगे। ज़्यादा मैं कोट नहीं करूँगी, बस नॉर्मल सा जैसे हम ब्रोस्ट बनाते हैं। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये सभी रेडी हो गई हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसकी फ्राई का टाइम है तकरीबन 15 से 16 मिनट। तो पहले 5 मिनट हम जब बोटियाँ ऐड करेंगे और देख लेंगे कि हमारे बबल्स बन रहे हैं अच्छे से, तभी हमें ऑयल का टेम्परेचर पता लगेगा। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर बहुत अच्छा सेट हो गया है और अभी हम इसमें बोटियाँ ऐड कर देंगे। और इनको पहले 5 मिनट हमने नहीं हिलाना, 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड टर्न करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसकी साइड टर्न कर दी है और तकरीबन मुझे लगे हैं, हल्की आंच पे मैंने इसे कर दिया था और तकरीबन मुझे 15 से 16 मिनट लगे हैं, और हमारी जो चिकन है बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। इसी तरह हम 2 बैजेस में अपनी चिकन को फ्राई कर लेंगे और इसे एक प्लेट में रख देंगे। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरह बना लेंगे जिस तरह हमने पहला बनाया है। इसकी फ्राई का टाइम है 16 to 17 मिनट। तो अभी मैं दूसरा बैच ऐड कर रही हूँ, इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट, अंदर से जूसी, अंदर से स्पाइसी और सॉफ्ट चिकन हमारा बना है। बहुत ही अच्छा गल चुका है और बहुत अच्छा स्पाइसी बना है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। इसी तरह मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।